फिर और के देव आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा भी। ढला है जो सूरज आज, कल सुबह निकलेगा भी। माना तेरी मंजिल है इन लोहों की जंजीरों में, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पर भी चलेगा। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो दोस्तों, आजकल की सुबह बहुत ही ज़्यादा सुहानी होती है, साइडों में चिड़िया चहचहा रही होती है और इस टाइम मैं अपनी फेवरेट ड्रिंक लाइक चाय को लेके आराम से पढ़ती हूँ। एक स्लोट वहाँ पे लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाना धोना करती हूँ और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टहलती हूँ, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पढ़ते रहते तो इससे हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। हमें थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। और इस टाइम मैं जो ये नीम के पत्ते हैं इनको चबा लेती हूँ। नीम के पत्ते हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने वहाँ पे नेचर को एंजॉय किया एंड देन मैंने बनाई चाय। अब आप कमेंट करोगे कि दीदी चाय मत पिया करो इतनी ज़्यादा। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन सुबह मैंने बिल्कुल थोड़ी सी पी थी। तो ये लास्ट कप है, दिन में सिर्फ 2 से 3 कप ही पीती हूँ मैं। तो अभी चाय को निकालते हैं अपने लिए, टेस्टी वाली चाय। मुझे आज मतलब मेरा पता है क्या होता है, मैं चाय का शक्ल देख के चाय को बता देती हूँ कि ये अच्छी है या नहीं। लेकिन आज सुबह भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है, इसलिए आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे मैप लगाए हुए हैं, आपने देखा कि मैं मैप लेके आई थी। और अगर आपको मैप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं, आप कमेंट कर देना अगर आपको भी चाहिए हैं। तो फिर वर्ल्ड वाला जोन सा भी चाहिए ना, तो मैं उसी का ही लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगी फिर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मैप को देख रही हूँ, कुछ स्टडी नहीं कर रही हूँ कि मैंने वो पढ़ा था, बस ऐसे ही देख रही हूँ कि भारत यहाँ पर, ये देश यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए चाय पीते पीते इसको देख रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विनय कक्षा नाम से यूट्यूब पे चैनल है। आपको इंग्लिश से में कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की, एमटीएस की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप वहाँ से इंग्लिश करते हैं तो आपकी इंग्लिश दी बेस्ट होगी। बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, मैंने भी देखी हुई है इनकी क्लासेस। एंड आपके फिर भी कमेंट आते रहते कि इंग्लिश के लिए कैसे करें, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इंग्लिश के लिए विनय कक्षा नाम के सर हैं यूट्यूब पर, आप वो सर्च कीजिए और वहाँ पर देखिए। वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो या फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हो, कुछ भी करना हो, कितनी प्रैक्टिस कर लो आप इस चैनल से, आपकी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो दी बेस्ट होगी। तो आप इस चैनल को चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं दोबारा से बैठ गई हूँ अपनी उसी टेबल पर, उसी चेयर पर, दोबारा से अपना स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। अभी मैं लगाऊँगी कुछ 1.5 घंटे का स्लोट, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा पाऊँगी। और क्या पता मैं बीच में भी उठ पाऊँ, मैं थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ, बट कंटिन्यू पढ़ती रहती हूँ। और यही सब आपको करना है, क्योंकि कंटिन्यू कोई नहीं पढ़ सकता। और कंटिन्यू हम जितना पढ़ते हैं उससे हमारा दिमाग ही ख़राब होगा, फिर क्वेश्चन जाना बंद हो जाएंगे। हम पढ़ते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, बट वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं जा रही होगी, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर दोबारा पढ़ो, तो आपको डबल स्पीड से आपके सही से रिवाइज होंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं बीच बीच में। और पोजीशन चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक पोजीशन में हम ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते। और अगर हम खुद को पुश करते हैं कि नहीं हम एक ही पोजीशन में पढ़ेंगे, तो देखिए आप अपनी बॉडी के साथ भी गलत कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इसको भी चाहिए रेस्ट, आखिर आप ह्यूमन बीइंग है, कोई मशीन नहीं है। हाँ जी गाइस, तो अभी कर रही हूँ मैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग मेरी बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहती है, इसलिए मैंने बुक मंगवा ली। हाँ जी, हाँ जी, आपको भी बताऊंगी कि कौन सी बुक है, किस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, ओसवाल बुक्स की बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड इसमें आपको सभी कुछ लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा। और देखिए आप किस तरीके से ये बुक है, इसमें यहाँ पे ऐसे डायग्राम की हेल्प से सारे टॉपिक समझाए हुए हैं कि इसके इतने पार्ट, इसमें ऐसे रूल होते हैं, सब कुछ इतने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। साथ में बताया हुआ है कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन से टॉपिक है, एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं आपको, IBPS क्लर्क, सब कुछ इतने अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये देखिए डायग्राम, डायग्राम से हमारे मतलब ह्यूमन नेचर क्या है, वो डायग्राम को देखता है तो उसके दिमाग में और ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है, और इस बुक में इन सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से ध्यान रखा हुआ है। साथ में देखिए एक्सपर्ट के, बिगनर के, जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन सभी के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप बिगनर है तो आपके लिए ये बुक भी बेस्ट है, और प्रैक्टिस भी आप इस बुक से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहें तो आप कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, मतलब जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, साथ में उसके आंसर की दी हुई है, उसके फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाई हुई है, मतलब कि ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, और वो भी बिल्कुल जो एक्सपर्ट्स टीचर होते हैं ना उनसे करवाया हुआ है। तो आज मैं इसी बुक को चेकआउट करूँगी अभी 1 घंटा, और क्वेश्चंस लगा के देखूँगी कि मेरे से कितना कुछ बन रहा है, और फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फिर दोबारा से करेंगे, और साथ में देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि ये कैसे हुआ, कुछ हुआ, मतलब नोट्स भी बनाएंगे। अब इस बुक से अच्छे से अपनी रीजनिंग करूँगी मैं। तो आप में से बहुत सारे पूछते हैं कि रीजनिंग कहाँ से करें, तो ये बुक बेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को एक मस्त सी बात बताती हूँ। मैंने चिड़िया से कहा, मैं तुम पर एक कविता लिखना चाहती हूँ। चिड़िया ने मुझसे पूछा, तुम्हारे शब्दों में मेरे परों की रंगीनी है? मैंने कहा नहीं। तुम्हारे शब्दों में मेरे कंठ का संगीत है? मैंने कहा नहीं। तुम्हारे शब्दों में मेरे पंखों की उड़ान है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा जान है? मैंने कहा नहीं। तब तुम मुझ पर कविता कैसे लिखोगे? मैंने कहा हम इंसानों को तुम बहुत प्यारी लगती हो, हमें तुमसे प्रेम है। चिड़िया बोली, प्यार का शब्दों से क्या सरोकार। एक नया अनुभव हुआ, मैं मौन हो गई। आई होप कि आप इन लाइन्स का डीप मीनिंग समझे होंगे और उनको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। सबसे अच्छा बिहेव करेंगे, किसी से ज़्यादा उखड़ के बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ सोचा कीजिए कि अगर कोई आपसे इस तरीके से बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो अभी पढ़ने के बाद फिर मेरा हो गया ब्रेक का टाइम, तो इस टाइम मैं खा रही हूँ बनाना। बनाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और कोई ना कोई सीजनल फ्रूट तो हमें खाते रहना ही चाहिए। ये हमारी हेल्थ भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्थ के लिए हमें नेचर में भी बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं तो बिल्कुल नेचर से कनेक्ट रहती हूँ, आप भी नेचर से कनेक्ट रहा करो, खाया पिया करो, मज़े किया करो। एंड बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी थैंक यू फॉर द मोटिवेशन, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन की हमें लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट लाइफ के किसी फेज़ में हम सोचते हैं कि काश हमें कोई समझाने वाला हो, काश हम इस फेज़ से निकल पाएँ और आगे बढ़ें, आगे की अपनी रंगीन ज़िंदगी को जिए। उस टाइम हम सोच ही नहीं पा रहे होते कि हम क्या करें, कुछ क्या करें, और उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। देखिए नन्ही चिड़िया जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चटकना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही हमारी लाइफ है, हम फेल भी होंगे, हम पास भी होंगे, हम टॉप भी करेंगे, सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। एंड कभी उस टाइम पे आएंगी कि उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उसी टाइम हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। बट एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो सारी चीज़ें आप लगेगी कि मैं तो उन बेफालतू की चीज़ों से परेशान हो रहा था, लाइफ तो ये है ही नहीं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए याद रखिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हर हर महादेव।